हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर केयर एनजीओ में। हमने पिछली वीडियो में भाग का भूगोल के बारे में, भाग की भूस्थिति एंड विस्तार के बारे में पिछली दो वीडियो ले चुके हैं। उसमें हमने लगभग भाग की भूस्थिति एंड विस्तार के बारे में 70% कवर कर लिया था। बाकी बचा हुआ आज हम कवर करेंगे। उसके साथ ही लास्ट में 5-10 मिनट में स्टैटिक जीके को भी ऐड कर लेंगे, ताकि ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ाएंगे या पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, उसके साथ स्टैटिक्स जीके पे भी कवर हो जाए, ताकि इसका एक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, पहले हम जो कल पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपका भी रिविजन हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, भूमध्य रेखा, ये क्या है, देशांतर, और हमारा भारत कहां पर है, यहां पर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। कितने डिग्री, 0 डिग्री। यहां क्या है, कारक रेखा, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, यहां से ये कितने किलोमीटर दूर है, जो अपने भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, 876 किलोमीटर। ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत से कितना है, 32,283.87। 32,283.87 किलोमीटर। कितना परसेंट है, 2.4%। जनसंख्या कितना परसेंट है, 17.5%। ठीक है दोस्तों, और क्या कहते हैं, हमने एक मदद कर देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यह हमारा क्या था, प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग तो इसको बोलते हैं, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, यह हम पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, तो तीन ओर से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, इससे जल से घिरा हुआ एक अंतरिक्ष द्वीप बनाया था पिछले वीडियो में। अंतरिक्ष क्या होता है, जो तीन ओर से बिल्कुल सकरा, क्योंकि यहां पर बंगाल खाड़ी है, यहां अरब सागर है, या हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है जी, जब भी तो भारत को यहां से यहां तक क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, तीन ओर से घेर रखा। ठीक है, यहां पर हम पढ़ लिया था भारत तक की लंबाई कितनी थी, 600 किलोमीटर। डीपो सहित बताए तो 16.6 किलोमीटर। ठीक है, और वैसे यदि स्थलीय पूछ दो 15,216 किलोमीटर, 15,216 किलोमीटर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यार जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, बट हम उनके लिए बता दें कि हमने पिछली दो वीडियो में कवर कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो जाके देख ले। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही हम अपना, जैसे कि हमने जो पढ़ा था पिछली दो वीडियो में उसके साथ ही चल रहे हैं, वो हमने रिवाइज किया है, अब आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या था ये, अपना भारत का प्रायद्वीपीय मैप था, हमने कारक रेखा पढ़ी थी, समावर्त रेखा पढ़ी थी, 82.5 डिग्री कहां पर, नैनी गांव कहां पर है, इलाहाबाद, प्रयागराज बोल दो, प्रयागराज कहां पर है,
यूपी में, ठीक है। कितने राज्य बदलते हैं? पांच। केंद्र पिछली वीडियो जाना था ये क्या है, कर रेखा। इसमें कितने राज्य बदलते हैं? आठ। यह भी हमने पिछली वीडियो में था, और ट्रिक के साथ जाना था। ऐसी ट्रिक बताई थी कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकते। क्या बताई थी? छह मित्र झाक पर मरे, ठीक है दोस्तों। और हमने क्या कहा था, अपने पड़ोसी राज्य बताए थे, यहाँ पर बांग्लादेश है, या म्यांमार है, या भूटान है, या नेपाल है, यहाँ पर चीन है, या अफगानिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, या पाकिस्तान है, ठीक है। तुमने फल बताया था। सबसे ज्यादा किसका था? बांग्लादेश का। सबसे कम किसका था? अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही हम आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब मैं कहता पैदी पे भारत था, ठीक है, पैदी पे भारत तो है, समुद्र से लगता हुआ भी है। हम ये देखेंगे कि अपने समुद्र में अपना भारत देश है कहां तक व्यापार कर सकता है, कब कितना तक अपना अधिकार है, कितना तक क्या है, ठीक है। उसमें क्या होगा, पहले आते हैं नंबर पॉइंट पे प्रादेशिक, ठीक है, प्रादेशिक जितना पता अधिकार है उसको बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। कितना नहीं, अपना भारत का बिंदु है दक्षिण, यहां से 12 किलोमीटर, यहां पर क्या है कि 12 किलोमीटर तक अपने जो समुद्र में जो मछुआरे जाते हैं वो यहां पर मछलियां वगैरह मतलब कि संसाधन वगैरह अपने जो बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं, इसको प्रादेशिक बोलते हैं। नंबर दो पे क्या है, पहला नंबर क्या था, प्रादेशिक हो गया। नंबर दो पे क्या है, संलग्न, संलग्न क्षेत्र। ये कितना है, 12 किलोमीटर से आगे 24 किलोमीटर तक, ठीक है। इसका क्या था, जो अपने बाद मछुआरे हो गए, जैसे कि आप समझ गए होंगे मछुआरे जैसे मछलियां पकड़ने जाते हैं समुद्र में, वो कितनी दूर तक जाते हैं, जैसे अपने संसाधन पूछिए, संसाधन वगैरह, संसाधन क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या है, जो अप्रवासी, जैसे कि उन्होंने माना कि हम भारत से पूछकर या मतलब कि कहते हैं वो अथॉरिटी लेकर जाते हैं, हम इससे आगे जा सकते हैं, अपना मतलब समुद्र में जाके व्यापार कर सकते हैं, कहीं देश से जाना हो उनसे पूछ के जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा, पहला प्रादेशिक क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा क्या अन्य आर्थिक, अन्य आर्थिक क्षेत्र। कितना है, 24 से 200 किलोमीटर, 24 से 200 किलोमीटर तक। इसमें क्या है, जैसे कि हम भारत देश है, इतना इसका अधिकार है कि हम यहां तक खनिज कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, तो अपना जैसे तो समुद्र में तेल वगैरह खनिज वगैरह आपने उस 200 किलोमीटर तेल तक को दूसरा देश का जहाज आएगा तो हमसे परमिशन लेकर फिर आएगा। ये है आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक मतलब आप समझ गए इकोनॉमिक, व्यापार के क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। यह तीन क्षेत्र है। इसके बाद आता है जो भारत देश है उसके पड़ोसी राज्य, जलीय राज्य कितने, स्थलीय राज्य कितने, ठीक है। ये तो क्या था, पहली बात जलीय राज्य कितने, जलीय राज्य देखते हैं, जलीय जलीय राज्य कितने बताइए, भारत के जलीय राज्य कितने हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। नहीं पता तुम बताओ, 7 देश, ठीक है। 7 देश हैं जो जलीय हैं, कौन कौन से, पहले तो अपना जो पीछे साइड पे पश्चिम की साइड है अपना
तो सुनो क्या नाम है उसका, पाक, बोल तो पाकिस्तान, शॉर्ट टर्म में लिख सकता हूँ पाक, ठीक है। इसके साथ आप जल्दी सीमा लगती है, उसके बाद एशिया की नीचे जो श्रीलंका है, दो गए, तीसरे नंबर क्या है श्रीलंका के बाद बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश के बाद क्या आता है भाई म्यांमार, म्यांमार के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद एक अपने यहां पर है मालदीव, उसके बाद थाईलैंड, सात हो गए होंगे, नंबर एक पे पाकिस्तान, दो पे श्रीलंका, तीन पे बांग्लादेश, चार पे म्यांमार, चार चार तक में वो है जो बिल्कुल भारत के सटे हुए हैं, म्यांमार है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से राज्य लगाता है, बांग्लादेश है तिरुपति से चार तक के अलावा, श्रीलंका अपने चरणों में याद हो गया, पाकिस्तान और पश्चिम में, पाकिस्तान पश्चिम, इंडोनेशिया अंडमान निकोबार साइड में, मालदीव श्रीलंका की साइड, लक्षद्वीप मालदीव वाला, थाईलैंड घूमने जाते हो, ठीक है। सात राज्य कौन से, जल्दी जल्दी राज्य देख लेते, ऐसे राज्य देखो जो सतलीय भी हो और जल्दी भी हो, जल्दी सरस सतलीय कौन कौन से, बांग्लादेश पाकिस्तान ले लो, सतलीब लगाता है और जलीब लगाता है, बांग्लादेश का अपना और म्यांमार, म्यांमार इसको पहले क्या बोलते थे, बर्मा, ठीक। तीन देश जो क्या थे, जलीब थे सतलीब, स्थलीय कौन कौन लगाते, सिर्फ स्थलीय, स्थलीय कौन कौन लगाते, जो जलीय ना हो सिर्फ स्थलीय हो, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेपाल, भूटान और तो नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और चाइना, चीन जो कि अपने लद्दाख से अंश प्रदेश तक है, अपने लगता है क्या लगता है, स्थलीय लगता है, ठीक है। तीन देश होते जो स्थलीय भी है, जलीय भी है, सिर्फ स्थलीय अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, स्थलीय में है पाकिस्तान भी वैसे तो बांग्लादेश, बट पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार स्थलीय एंड जलीय दोनों लगाते हैं, इसलिए से इनको स्थलीय में न गिन के आप स्थलीय एंड जलीय में गिन लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा राज्य देश कौन से राज्य से लगता है और कौन से राज्य कौन कौन से देश से लगते हैं, ठीक है। पहले हम आपको तो इनके जो देश हैं, पहले देखो चीन देखो पाकिस्तान, आपको सबसे प्यारा लगता है पाकिस्तान, सबको आपको प्यारा लगता है, मुझे तो नहीं लगता। देखो पाकिस्तान जो भारत के साथ सीमा लगती है उसको किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ किस नाम जानता है, रेड क्लिफ नाम जानता है। कब इसको दिया गया नाम, रेड क्लिफ में जो सीमा खींची गई थी कब खींची गई थी, 1947, ठीक है दोस्तों।
यदि आपसे कई बार पूछ लेता है, चलो ठीक है 1947 में दी गई, बट तारीख क्या थी 1947 की, तो बताइए, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं 7 अगस्त, 7 अगस्त को 1947 में भारत और पाकिस्तान में एक लाइन खींची गई थी, उसको क्या बोला गया, रेड लाइन बोला गया। ठीक है, कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से राज्य है, ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, जे एंड के, समझ गए जम्मू कश्मीर लिखू, जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, इसको ऐसे लिख सकते हैं गुजरात को, राजस्थान को ऐसे, आर ए जी। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने, 1 नंबर 2 नंबर जम्मू कश्मीर, 3 नंबर पंजाब, 4 नंबर राजस्थान, 5 नंबर पे गुजरात, कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद हम किसका पढ़ेंगे, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के उपराष्ट्र क्या, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पढ़ेंगे, अफगानिस्तान। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा अदा करती है, कब इसको लागू किया गया, 1856। वैसे तो ड्रोन रेखा भारत और पीओके, पीओके क्या बोले, पाक अधिकृत क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, उसमें लगती है, भारत के पाक, भारत के पीओके और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है दोस्तों, वैसे पूरी तरह से भारत से नहीं लगती है, इसका एकमात्र भारत का राज्य जो लगता है क्या, लद्दाख, लद्दाख के कौन से तक, पीओके। ठीक है सर, इसके बाद चीन, चीन कौन सी रेखा है, मेक मोहन, कब इसको लागू किया गया, 1914 में भारत और चीन के बीच जो लाइन खींची गई है उसको मेकमोहन रेखा बोलते हैं, कब लागू की, 1914 में लागू की। अब कौन कौन से राज्य हैं जो सात सीमा साझा करते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर लद्दाख, लद्दाख, उसके बाद जस्ट नीचे कौन सा आएगा, जम्मू कश्मीर, जैनी के लिख सकता हूं, उसके जस्ट नीचे कौन सा आएगा बताओ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके जस्ट नीचे बताओ, बताओ, हिमाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे, इसको बस लिख दो हिमाचल प्रदेश, आप सोच लो हिमाचल जस्ट उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूके, और यूके के बाद कौन सा है, सिक्किम, सिक्किम, यूके यूनाइटेड किंगडम में समझ लेना उत्तराखंड है, सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो चीन के साथ साझा करते हैं, कौन से, 1 2 3 4 5, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर तो सिर्फ
पंजाब उसमें है पाकिस्तान में, इसमें नहीं है ठीक है। इसके साथ एक करना था, इसके साथ पांच साल ठीक है साथियों, मदद करता हूं। इसके बाद बाकी देखेंगे, उसके बाद क्या है चीन के बाद फर्स्ट नेपाल, नेपाल आप मैप से समझोगे ना आप, मैं गारंटी दे रहा हूं आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। जैसे मेरे को याद है वैसे आपको याद हो जाएंगे, मैं तो इंसान ही हूं, जिस तरह से मैंने मैप से याद कर रखे हैं वैसे आपको याद हो जाएंगे। चीन साइड में नेपाल ठीक है, नेपाल में कौन सा राज्य है, एक तो अपना जो नेपाल के जस्ट नीचे है कौन सा है, यूके, नेपाल जस्ट उत्तराखंड लिखू कई कई कमेंट मार देंगे कहेंगे सर यूके यूनाइटेड किंगडम लगता है सही ना। उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, उसके बाद जस्ट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बात क्या जाएगा बिहार, उत्तराखंड यूपी बिहार, बिहार के बाद क्या है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को पीबी लिख सकते हैं, पीबी शॉर्ट लिख सकते हैं, ऐसी याद करो जल्दी याद देंगे पीबी लिखने में आपको नोट्स बनाने में बहुत, मैं कह रहा हूं कि आपको कम से कम पेज जरूरत पड़ेगी वो जल्दी ही आप रिवाइज कर लोगे, यूपी बीपी यूके ऐसे लिखोगे ना बहुत जल्दी याद होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। क्या हो गया उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इसके बाद सिक्किम, क्या हो गया सिक्किम देश आएगा ठीक है दोस्तों, चलो यूपी बिहार उत्तराखंड सिक्किम, अब आएगा मैं जस्ट को मैं आपको भूटान दे देता है, नेपाल के बाद जस्ट भूटान, भूटान से कौन कौन से लगता है, पश्चिम बंगाल भूटान से लगता है और नेपाल से लगता है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल लगता है, उसके बाद सिक्किम भी ये वाला है बस है ठीक है, सिक्किम में लगता है, पश्चिम बंगाल से इसमें भी लगता है, नेपाल में लगता है और सिक्किम में लगता है ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है एक असम है, जहां की चाय बहुत ज्यादा फेमस है, चाय के लिए जाना जाता है ठीक है। उसके बाद क्या अरुणाचल प्रदेश ठीक है, कितने हो गए एक दो तीन चार, ये चार से ज्यादा पड़ता है, ये एक दो तीन चार पांच, नेपाल भूटान के बाद क्या है म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार से कौन सा अरुणाचल प्रदेश जस्ट लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जस्ट नीचे आपको नागालैंड मिलेगा, मिजोरम मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, ये तीनों राज्यों को टच करते हैं, नागालैंड मिजोरम एंड मणिपुर ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम एंड मणिपुर हो गए ठीक है। इसके बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद कौन सा बताओ, म्यांमार के बाद आएगा अपना बांग्लादेश, उसके बाद बांग्लादेश है बांग्लादेश, ऐसी याद करो मैं आपसे आप जिंदगी में नहीं भूलने वाले गारंटी दे रहा हूं, मैं
गांठ के साथ हम ऐसे नहीं पढ़ाते पश्चिम बंगाल किस चीज में था पश्चिम बंगाल नेपाल में था भूटान में था और बांग्लादेश में भी है ठीक है ठीक है मेघालय मेघालय किसमें था म्यांमार में था मेघालय के बाद क्या आएगा त्रिपुरा 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 के बाद मिजोरम भी है त्रिपुरा मिजोरम मिजोरम में क्या है असम ठीक है पश्चिम बंगाल मेघालय त्रिपुरा मिजोरम बारह देश पांच अब कौन कौन से देश है जिसे अपने मतलब कि भारत के राज्य पांच लगते हैं नंबर एक नंबर एक क्या है पाकिस्तान नंबर दो चाइना नंबर तीन नेपाल नंबर चार बांग्लादेश बस बाकी उनके चार लगते हैं अफगानिस्तान में एक लगता है ठीक दोस्तों ये तो हो गए हमारे जो पड़ोसी देश थे उसमें अपने कौन कौन से राज्य लगते हैं ये थे अब हम ये देखेंगे कौन से देश कौन सा टीवी चैनल है कौन से देश कौन सा टीवी चैनल है कौन से देश का कौन सा टीवी चैनल उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं साथ में बताइए कि मैं जैसे दो वीडियो में जितना प्यार मिला आपको आपसे मेरे को जितना प्यार मिला है मैं आपका शुक्रगुजार हूं ऐसे ही प्यार बनाए रखना कुछ बच्चों ने लाइव क्लास की मांग की कुछ बच्चों ने लाइव क्लास की डिमांड की तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों से पूछ लिया जाए किस टाइम पे टाइम बताए थे भैया टाइमिंग आप बताओगे उस हिसाब से हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग में रखना चाहते हो आफ्टरनून में रखना चाहते हो या इवनिंग में रखना चाहते हो आप जो भी टाइमिंग बताओगे हम उसी टाइमिंग पे लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे ठीक है दोस्तों ज्यादा ज्यादा कमेंट करके बताना किस टाइम हम लाइव क्लास स्टार्ट करें ठीक है इस साथ हम अब आगे बढ़ते हैं ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे एक मालदीव है पता है मालदीव नाम सुनाता जी फिर एक देश कौन है मिनी का है मिनी मालदीव और मिनिका है ये दोनों कितने दिन चल रहे हैं आठ दिन से है अब मैं कह रहा हूं मिनिका है और मिनिका और कौन सा लक्षद्वीप ये दोनों कितने चल डिग्री पे है नौ डिग्री ठीक है मालदीव मिनिका है आठ डिग्री में मिनिका लक्षद्वीप नौ डिग्री मैं आठ ठीक मैं किसमें होती है आठ सोलह दूनी आठ मतलब चार आठ डिग्री मैं आठ मालदीव लक्षद्वीप नौ डिग्री ठीक है एक आता है अंडमान और निकोबार जी कितने डिग्री पे दस डिग्री ठीक है भारत और इंडोनेशिया जो सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं इंडोनेशिया क्या लगता है कौन सा द्वीप सुमात्रा द्वीप यहां पे लिखते हैं सुमात्रा ठीक है भारत इंडोनेशिया को जो मतलब रेखा अलग करते हैं उनको ये तो आठ डिग्री चैनल के द्वारा ये नौ डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है दस डिग्री चैनल के द्वारा ये सुमात्रा द्वीप के द्वारा अलग होता है ठीक है भारत म्यांमार को भारत और प्लस म्यांमार इनको कौन क्या अलग करता है कोको द्वीप चैनल कोको द्वीप
तो को दीप या चैनल, चैनल लिख देते हैं चैनल, क्योंकि वहां पर ना तो कोई दीप ऐसा है, चैनल ऐसा ही है। वैसे बोलते तो कई बार कई किताबों में दीप भी मिल जाएगा, ज्यादातर में चैनल भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे मालदीव, मिनी का 8 डिग्री, मिनी का लक्षद्वीप 9 डिग्री, इंडोनेशिया भारत सुमात्रा द्वीप, भारत महानगर कौन को चैनल अंडमान के बाद 10 डिग्री। ठीक है, और क्या था दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ज्योग्राफी का भारत का विस्तार एम भू स्थिति, भारत की भू स्थिति एम विस्तार कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही हम कुछ स्टैटिक्स पोर्शन है, तो स्टैटिक्स पोर्शन है उनकी शुरुआत राष्ट्रीय पशु क्या, पक्षी क्या, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा क्या, गीत क्या, वाक्य क्या, वृक्ष कौन सा है। ठीक दोस्तों, और क्या नाम था, कहते हैं गीत हो गया, वृक्ष हो गया, पुष्प कौन सा है, पुष्प हो गया, वृक्ष हो गया, वाक्य हो गया, ये तो चिन्ह कौन सा है, चिन्ह, ठीक, पशु कौन सा है, बाघ, बाघ। इसके साथ एक क्वेश्चन है विरासत पशु, विरासत पशु ये कौन सा है, हाँ बैठा क्यों आते हैं, मैं दर दर मेरी लाइफ में कोई बैठा नहीं, आप कहते हैं कि बैठा है कोई भी स्टूडेंट है जो कभी आते बैठा हो कमेंट करके बताएं, उससे हम जो बैठा था उसके बाद कुछ पूछेंगे, फिर हम भी बैठेंगे उस पर कितना मजा आता है कितना नहीं आता। पक्षी कौन सा है, मोर है। भाषा कौन सी है, हिंदी। गीत कौन सा, कौन सा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है। वृक्ष कौन सा है, बरगद। पुष्प कौन सा है, कमल, ठीक है। उसके बाद पुष्प चिन्ह कौन सा है, चिन्ह अशोक स्तंभ, ठीक है। सब गीत हो गया, वाक्य हो गया, भाषा हो गई, पशु हो गया, रस पशु हो गया, चिन्ह हो गया, वृक्ष हो गया, और पक्षी हो गया, ध्वज, ध्वज कौन सा था, तिरंगा। नदी कौन सी होगी, गंगा। उसके बाद जल जीव, जल के जीव, ये कौन सा हो गया, क्या कौन सा हुआ, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। ठीक दोस्तों, ये हमारे कुछ स्टैटिक्स के पोर्शन थे। इसके साथ आते ऐसे ही हम डेली जैसी क्लास होगी, उसके लास्ट में हम लास्ट के 5-10 मिनट डेली हम स्टैटिक्स के कुछ पोर्शन कराते रहेंगे। आप अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके, आप हैं तो हम हैं, आपके जैसे हम बढ़ा रहे हैं, यार पे हमारी वीडियो नहीं देखोगे तो हम कहां बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, ऐसे ही हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।
वीडियो इतनी अच्छी लग रही है, हम तो माइक्रो से पूरा जोर लगा रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा दीजिए ताकि हम आप लोगों को अच्छे से बता सके। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत एक क्या कहते हैं उत्साह कार्य करता है, बहुत ज्यादा उत्साह कार्य करता है। इससे हमारे अंदर एनर्जी आती है और ऐसे ही हम अंदर के साथ पढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।